हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी परिपथ यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में अध्ययन करने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और वहां पे हमने डीसी श्रेणी परिपथ को भी अध्ययन कर लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समानांतर परिपथ के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम लोग समानांतर परिपथ की बात करेंगे तो हम यहाँ पर भी समानांतर को, जैसे हमने श्रेणी परिपथ को समझा था तो हमने क्या करा था, दो से अधिक प्रतिरोधों को लिया था और उसके संयोजन करके हमने उसको समझने की कोशिश की थी। वैसे यहाँ पे भी हम लोग दो से अधिक प्रतिरोध लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हम लोग तीन प्रतिरोध लेते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ प्रतिरोधों को, तो ये जैसे प्रथम प्रतिरोध है एक, ठीक है, एक ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, और ये तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या देखा था कि भाई हमने जो भी प्रतिरोध लिए थे उन प्रतिरोधों के हमने एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम सिरा माना था, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी जो प्रतिरोध है उनके एक सिरे को तो हम लोग प्रारंभिक सिरा बोल देते हैं और एक को अंतिम सिरा बोल देते हैं। प्रारंभिक सिरे को हमने एक से प्रदर्शित किया और अंतिम सिरे को दो से प्रदर्शित किया है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी एक प्रारंभिक और इसका इस प्रतिरोध का भी एक अंतिम सिरा रहेगा, इस प्रतिरोध का भी एक प्रारंभिक सिरा और इस प्रतिरोध का भी एक अंतिम सिरा रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमने तीन प्रतिरोध माने तो तीनों प्रतिरोधों के नाम भी कुछ ना कुछ रहेंगे। जैसे एक तो R1 रहेगा, एक जैसे हमने R2 बोल दिया और एक हमने क्या बोल दिया, R3 बोल दिया, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग श्रेणी प्रतिरोध की बात कर रहे थे तो श्रेणी प्रतिरोध के संयोजन के अंदर हमने क्या देखा था कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, जैसे ये प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से कनेक्ट हो रहा था, इससे कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे जब भी हम लोग समानांतर परिपथ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि समान प्रकार के जो सिरे रहते हैं उनको आपस के अंदर जोड़ते हैं। मतलब जैसे ये तीन प्रतिरोध हैं तो इन तीनों प्रतिरोधों को प्रारंभिक सिरे को, जैसे ये मैंने एक प्रारंभिक सिरे को, इन तीनों प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे को आपस में जोड़ देंगे और इसी प्रकार से इन तीनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरे को हमने क्या कर देंगे, आपस के अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर बाई चांस इस प्रकार से कोई संयोजन किया हुआ है प्रतिरोधों का तो हम लोग इस प्रतिरोध को समानांतर संयोजन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हमने यहाँ पे एक वोल्टता स्रोत को कनेक्ट कर दिया तो इस प्रकार से ये जो परिपथ है ये परिपथ बनाया जाता है और ये बनाया गया जो परिपथ है ये पूर्ण परिपथ है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे परिभाषा की बात करते हैं तो ये परिभाषा क्या बोलती है, ये बोलती है कि समानांतर परिपथ के अंदर, मतलब इस प्रकार के परिपथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों के, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रतिरोधों के, प्रतिरोधों के, प्रतिरोधों के समान सिरों को, समान सिरों को आपस में शॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं, आपस में शॉर्ट करते हैं, ठीक है। समान सिरे इसके अंदर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो परिपथ है समानांतर प्रतिरोधों का वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये जो तीनों परिपथ हैं, तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को मैंने एक तरीके से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक वोल्टता स्रोत को भी संयोजित कर दिया, ठीक है। तो आप क्या देख पाओगे कि ये जो वोल्टता स्रोत है ये एक तरीके से एक पूर्ण परिपथ का या फिर एक बंद परिपथ का रूप ले रहा है, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या पता है कि जब भी कोई भी वोल्टता स्रोत बंद परिपथ के अंदर संयोजित होता है, जैसे अगर इस वोल्टता स्रोत को मैंने वी बोल दिया, तो अगर वोल्टता स्रोत बंद परिपथ से संयोजित रहता है तो क्या होता है कि उस वोल्टता स्रोत से एक धारा प्रवाहित होती है। जैसे अगर ये वोल्टता स्रोत इस बंद परिपथ से संयोजित है तो यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी, जैसे अगर हमने उसको I बोल दिया, तो ये जो धारा है ये धारा यहाँ से इस रास्ते से जाते हुए यहाँ पे पहुंचेगी और इस नोड के ऊपर ये जो धारा है ये तीन भागों के अंदर क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तीन भागों के अंदर ही क्यों बट रही, क्योंकि ये जो धारा है इस धारा के प्रवाहित होने के लिए यहाँ पे तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन धारा के रूप में इसको बांट लेंगे, जैसे यहाँ पे इसको I1 बोल दिया, यहाँ पे इसको I2 बोल दिया और यहाँ पे इसको I3 बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट और मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो धारा होती है वो धारा
हर प्रतिरोध के लिए अलग अलग क्या हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। और हम लोग जब भी श्रेणी प्रतिरोध की बात कर रहे थे तो वहां पे जो धारा थी वो क्या थी, सबके लिए समान थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि धारा प्रतिरोधों में बट जाती है, ठीक है, बट जाती है, ठीक है। अब देखिए ये धारा इसके अंदर बट गई। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो हम लोग क्या नोट कर पाएंगे कि ये जो वोल्टता स्रोत है ना, देखिए ये वोल्टता स्रोत बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो ये इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। देखिए आप क्या नोट कर पा रहे हो, ये वोल्टता स्रोत एक तरीके से यहाँ पे R3 से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी रूप से अगर आप इसको बनाना चाहो तो यहीं पे ये जो पॉइंट है ना, यहीं पे ये R2 पे कनेक्टेड है, और इसी प्रकार से ये किसके ऊपर कनेक्टेड है, R3 के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है, R1 के ऊपर कनेक्टेड है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज पूरी की पूरी इस प्रतिरोध के ऊपर भी लगती है, इस प्रतिरोध के ऊपर भी पूरी की पूरी लगेगी और इस प्रतिरोध के ऊपर भी पूरी की पूरी लगेगी। इसका मतलब क्या रहा कि जब भी आप समानांतर परिपथ की बात करोगे तो उस केस के अंदर जो वोल्टता है वो सबके सब प्रतिरोधों के अंदर क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो वोल्टता स्रोत है इसका एक सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज इस जगह के ऊपर पूरी लग रही है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है इस जगह के ऊपर भी पूरी लग रही है, ठीक है, और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज एक रूप से यहाँ पे भी पूर्ण रूप से लग रही है, ठीक है। आप इस चीज को लिख भी सकते हो, जो कि इसका मुख्य बिंदु है, क्या है कि समानांतर परिपथ में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों में, क्या बोल रहा हूं मैं, सभी प्रतिरोध में धारा का मान, सॉरी वोल्टता का मान में वोल्टता का मान समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समानांतर परिपथ के अंदर क्या देखने को मिला, देखिए एक तो क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा क्या बोलती है कि जितने भी प्रतिरोध है ना, उन प्रतिरोधों के समान सिरों को हम लोग आपस के अंदर क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इन प्रतिरोधों के अंदर हमने क्या करा है, जो प्रारंभिक सिर है उन प्रारंभिक सिरों को आपस के अंदर जोड़ दिया, इसी रूप से इनके अंतिम सिरों को भी आपस में जोड़ दिया। इसके बाद हमने क्या करा, एक वोल्टता स्रोत से इस परिपथ को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही परिपथ वोल्टता स्रोत से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, वो जो धारा थी वो धारा नोड पे जाके तीनों प्रतिरोधों के अंदर क्या हो गई, बट गई, ठीक है, तीनों प्रतिरोधों के अंदर क्या हो गई, बट गई, ठीक है। यानी हमने क्या लिख दिया कि भाई यहाँ पे जो धारा है वो प्रतिरोधों के अंदर क्या हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया कि भाई ये जो वोल्टता है, ये वोल्टता तीनों के तीनों प्रतिरोधों के ऊपर क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। सेम का मतलब क्या है, ये जो V है ना, ये V यहाँ पर भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे जैसे R1 जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का वोल्टतापात निकालते हो, क्या निकालते हो, वोल्टतापात निकालते हो, तो वो हमेशा V के बराबर ही रहेगा। यानी R1 का जो वोल्टतापात है वो क्या रहेगा, V बराबर I1 गुणा R1, ठीक है। इसी प्रकार से R2 और इसी प्रकार से V बराबर I3 R3, ठीक है। आप तो इसका मतलब क्या है कि आप तीनों रूप से कैसे भी, तीनों में से किसी भी प्रकार से आप जो कुल वोल्टता है उसको निकाल सकते हो, या फिर जो भी वोल्टता एक एक प्रतिरोध के अंदर निकलेगी वो की वो वोल्टता तीनों के अंदर रहेगी, ठीक है।
यानी हम लोग इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अगर जैसे ये बोलता नियत है, नियत होने का मतलब क्या है, देखिए ना, आप इस प्रतिरोध को अगर इस फॉर्मूले को वापस रीअरेंज करते हो तो रीअरेंज करने पे अपने को क्या मिलेगा, देखिए इसको वापस रीअरेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करके ये जो प्रतिरोध है ना इस प्रतिरोध को इस साइड में भेजते हैं, तो आपको यहाँ पे आई वन बराबर क्या मिलेगा, वी बटा आर वन, क्या मिलेगा, वी बटा आर वन, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा भाई, वी बटा आर वन अपन ने लिख दिया, ऐसे इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो अपन ने प्रतिरोध लिया था वी बराबर आई वन आर वन, ठीक है। अब हम लोग यह वोल्टेज ली थी, ठीक है, इसके अलावा हमने दूसरी जो वोल्टेज ली थी वो क्या ली थी, V बराबर I2 R2, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लिया था, V बराबर I3 R3, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो तीनों के तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों के तीनों प्रतिरोधों के अंदर ये जो वोल्टा का मान है ना वो क्या है, समान है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इनको रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग वज्र गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है। वज्र गुणा करने पर अपने को क्या मिलेगा कि जो I1 है ना वो I1 किसके बराबर है, I1 बराबर है किसके, V बटा I R1 के, ऐसे ही I2 किसके बराबर है, I2 किसके बराबर है, I2 किसके बराबर है, ये है V बटा R2 के बराबर है, और ऐसे ही I3 किसके बराबर है, I3 है V बटा R3 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए अगर बाय चांस ये जो वैल्यू है ये नियत है जो कि है आपको दिख रही है, कैसे है नियत, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि भाई तीनों के तीनों प्रतिरोधों के अंदर वोल्टेज का मान क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स होने का मतलब क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर ये फिक्स है ना तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो I1 है वो समानुपाती है एक बटा आर वन के, या फिर आई टू समानुपाती है किसके, एक बटा आर टू के, और ऐसे ही आई थ्री किसके समानुपाती है, एक बटा आर थ्री के, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है, क्या निकलता है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि प्रत्येक प्रतिरोध की धारा, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा की धारा, क्या बोल रहा मैं, प्रतिरोध की धारा किसके ऊपर निर्भर कर रही है, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध की धारा उस प्रतिरोध के विक्रमानुपाती होती है, क्या बोल रहा मैं, प्रतिरोध के विक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है तो जैसे, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो धारा है वो एक बटा आर के अनुपाती है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो धारा है वो प्रतिरोध की क्या है, विक्रम अनुपाती है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे प्रत्येक प्रतिरोध की धारा उस प्रतिरोध के क्या है, उस प्रतिरोध के विक्रम अनुपाती है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हमारे समानांतर परिपथ से निकल के आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला मैंने, एक तो क्या है प्रतिरोधों के समान सिरों को आपस में शॉर्ट किया था, ये इसकी परिभाषा हो गई। धारा प्रतिरोधों में बट जाती है, वहां पे श्रेणी क्रम में जो धारा थी वो समान थी, सभी प्रतिरोधों में वोल्टा का मान समान रहेगा, ठीक है। वहां पे श्रेणी क्रम के अंदर क्या था, जो वोल्टा का मान था वो बट रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या बोला मैंने बोला कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसकी जो धारा है उस प्रतिरोध के विक्रमानुपाती रहती है, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हम लोग प्रतिरोध के मान को निकालना चाहें, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रतिरोध के मान को निकालना चाहें तो प्रतिरोध के मान को कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे प्रत्येक प्रतिरोध के मान को निकालना, मतलब कुल तुल्य प्रतिरोध के मान को निकालना चाहिए तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिखेंगे, देखिए वापस मैं बना रहा हूँ, या फिर इसको वहीं से ले लेते हैं एक बार के लिए, देखिए मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ ताकि अपने को ये सर्किट याद रह जाए। ठीक है, जैसे
ये जैसे अपन ने परिपथ माना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर अपने को तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब है ये जो वोल्टेज स्रोत है इसका कितना प्रतिरोध आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि भाई जैसे पिछली बार भी अपन ने माना था किसके अंदर, श्रेणी परिपथ के अंदर भी, कि भाई ये जो वोल्टेज स्रोत है ना इसके ऊपर जो भी ये लग रहा है, क्या लग रहा है प्रतिरोध, उसको हमने आर टी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको आर टी ही बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, ये आर टी का मान अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो धारा है ना, ये आई धारा यहाँ पे इस नोड के ऊपर जाके क्या हो रही है, तीन भागों के अंदर बट रही है, ठीक है। तो इस नोड के ऊपर जिसको जैसे अगर अपन नाम देते हैं, ये ए हो गई और ये बी हो गई नोड, तो नोड ए पे हम लोग क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, नोड ए पर केसीएल लगाने पर, केसीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ का धारा नियम लगाने पर, ठीक है। अब देखिए केसीएल जब भी हम लोग लगाएंगे तो केसीएल क्या बोलता है कि जिस भी नोड की अगर आप बात कर रहे हो ना, उस नोड के ऊपर जितनी भी धाराएं आ रही है उन धाराओं का बीजीय योग जितने भी उस नोड से जा रही है उन धाराओं के बीजीय योग के बराबर रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इस नोड पे आने वाली धाराएं, कौन सी धारा ये आ रही है इस नोड की तरफ, ठीक है। आप देख पाओगे कि यहाँ पे इस नोड की तरफ सिर्फ ये आई धारा आ रही है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों धाराएं हैं आई वन आई टू और आई थ्री, तीनों की तीनों इसकी से बाहर जा रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या कि आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार अपन ने ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये जो धाराएं हैं ना, इन धाराओं के मान इस परिपथ के हिसाब से वापस लिखने, कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो धारा है इस धारा का मान क्या रहेगा, इस धारा का मान रहेगा ये, भाई अपने को क्या पता है जो धारा होती है ना, वो धारा क्या होती है, वी बराबर सॉरी जैसे जो धारा रहती है ना वो धारा क्या रहती है, वो धारा रहती है, धारा क्या रहती है, धारा रहती है आई बराबर वी बटा ऑफ आर, ठीक है। तो अगर आप इस धारा का मान निकालोगे ना, तो इस धारा का मान कैसे निकलेगा, इसके अंदर जो भी वोल्टता लग रही है, जो कि कितनी लग रही है, वी लग रही है, बटा इसका प्रतिरोध जो कि अपन ने क्या माना था अभी जस्ट आर टी, ठीक है। तो ये जो धारा है ये धारा क्या हो गई, वी बटा आर टी हो गई, ठीक है। बाकी शेष जो धाराएं हैं वो अपन ने अभी जस्ट यहाँ पे निकाली थी, कितनी थी, ठीक है, आई वन था वी बटा आर वन, आई टू था वी बटा आर टू और आई थ्री थे क्या था, वी बटा आर थ्री, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों को एक एक करके लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, लिखेंगे आई तो क्या है, वी बटा आर टी बराबर आई वन क्या है, वी बटा आर वन प्लस वी बटा आर टू प्लस वी बटा आर थ्री, ठीक है। ये तीनों की तीनों धाराओं के मान हमने क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या नोट कर पाओगे कि इस साइड में और इन इस साइड में जो वोल्टेज वी है ना उसका मान कॉमन है, ठीक है, जो कि इसकी कंडीशन भी है, किसकी कंडीशन है, समानांतर प्रतिरोध की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कॉमन वोल्टेज है ना इसको बाहर ले लेते हैं दोनों साइड में, यहाँ पे वी बटा आर टी हो गया और ये वी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी अगर वी कॉमन लिया हमने तो क्या मिला अपने को, एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस साइड और इस साइड में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का मान क्या है, कॉमन है, तो हम लोग इस चीज को काट सकते हैं और अपने पास जो प्रतिरोध का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक बटा आर टी बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, ठीक है। ये जो प्रतिरोध रहता है ना, ये प्रतिरोध रहता है तुल्य प्रतिरोध समानांतर प्रतिरोधों के केस के अंदर, ठीक है। यानी अगर बाय चांस कभी भी आपको समानांतर प्रतिरोध को सॉल्व करना है तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को दो और रूप से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अपने को क्या पता है कि भाई एक बटा जो आर रहता है ना वो जी के बराबर रहता है, जी मतलब क्या होता है, चालकता, क्या रहता है, चालकता, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग चालकता के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए अपन ने जस्ट अभी क्या देखा, एक बटा आर टी बराबर, यानी एक बटा आर टी को अगर अपन जी टी बोल देते हैं तो जी टी बराबर एक बटा आर वन यानी जी वन प्लस जी टू प्लस ऑफ जी थ्री, इस रूप से भी हम लोग इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, एक बटा आर टी बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, ऐसे ही एक फॉर्मूला क्या हो गया, जी टी बराबर जी वन प्लस जी टू प्लस ऑफ जी थ्री, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमें क्या करना रहता है कि भाई सिर्फ दो ही प्रतिरोध सॉल्व करने रहते हैं, मतलब जैसे अगर अपने पास क्वेश्चन के अंदर आ गया कि भाई दो प्रतिरोध हैं, एक तो आर वन और एक आर टू, दोनों का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बटा आर टी बराबर क्या करेंगे, दो प्रतिरोध है ना, तो दोनों प्रतिरोधों को एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो एक बटा आर टी बराबर क्या रहेगा, एक बटा आर टी बराबर क्या रहेगा भाई, इसका लघुतम जो कि कितना आएगा, आर वन आर टू, ठीक है। और अगर आप इसको लघुतम आर वन आर टू आया तो इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टू प्लस इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप आर टी का मान निकालना चाह रहे हो, आर टी मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल अगर आप निकालोगे ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर बाई चांस आपको दो प्रतिरोध ही कभी सॉल्व करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, R1 R2 बटा R1 प्लस ऑफ R2, इस प्रकार से अगर बाई चांस आपको दो प्रतिरोध ही कभी सॉल्व करने हैं तो हम लोग इस प्रकार से उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और देखिए कई बार एक और स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि हम लोग देखते हैं कि भाई समान प्रतिरोध समांतर के अंदर आ जाते हैं, मतलब जैसे चार ओम के प्रतिरोध दो प्रतिरोध क्या समांतर क्रम में हो गए, या फिर चार ओम के चार प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए, या फिर चार ओम के दस प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर समान प्रतिरोध रहे, क्या बोल रहा हूं मैं, समान प्रतिरोध समांतर में हो, में हो, ठीक है। अगर समान प्रतिरोध समानांतर में है तो हम लोग क्या करते हैं, जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा ना, जैसे अगर आर टी की अगर आप बात करते हो, टोटल प्रतिरोध, वो क्या रहेगा कि जो भी प्रतिरोध है ना, जैसे चार ओम का प्रतिरोध है जिसको अगर अपन आर बोल रहे हैं, तो वो आर बटा एन होएगा, ठीक है। ये एन क्या है, ये एन है कि कितनी बार वो समांतर में है, मतलब अगर बाई चांस जैसे चार ओम का प्रतिरोध दो बार समानांतर में है तो आप उसको क्या लिखोगे, चार बटा दो बार रहते दो कर दिया अपन ने, ठीक है। अगर चार ओम का प्रतिरोध दस बार समानांतर में है तो आप उसको क्या लिखोगे, चार बटा दस लिखोगे। अगर बाई चांस चार ओम का प्रतिरोध बीस बार समानांतर में है तो आप उसको चार बटा बीस लिखोगे, ठीक है। चार की जगह अगर दस ओम का प्रतिरोध दस बार समानांतर में है तो आप दस बटा दस लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समानांतर प्रतिरोध को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई समानांतर प्रतिरोध क्या होता है, जैसे इस प्रकार से हमने समानांतर प्रतिरोध के बारे में अध्ययन किया, जाना कि भाई समानांतर प्रतिरोध क्या होता है, कि भाई इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो जितने भी प्रतिरोध रहते हैं उनके समान सिरों को आपस के अंदर क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उन सबके सब प्रतिरोध के अंदर धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि भाई जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उन सबके सब प्रतिरोधों के अंदर अगर वो समानांतर के अंदर कनेक्टेड है तो सबके अंदर वोल्टेज का मान समान रहता है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर जो धारा है वो धारा उस प्रतिरोध के विक्रमानुपाती रहती है, ठीक है। ये चीजें हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर देखी। इसके बाद हमने क्या करा कि जो प्रतिरोध था उस प्रतिरोध का मान निकाला इस प्रकार से, यानी अपने को क्या पता चला कि भाई अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो अपने को क्या करना है, उनके रेसिप्रोकल का ऐड करना, मतलब एक बटा आर टी बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री। इसके बाद हमने इस चीज को तीन और प्रकार से लिखा। कैसे लिखा, ये एक तो ऐसे लिखा कि अगर आपको चालकता के फॉर्म के अंदर सॉल्व करना है तो आप क्या लिखोगे, जी टी बराबर जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई अगर बाई चांस दो ही प्रतिरोध समानांतर के अंदर आए तो आप किस रूप से उसको सॉल्व करोगे, जो कि कैसे है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर बाई चांस समान रूप के प्रतिरोध, समान मान के प्रतिरोध क्या हो गए, समानांतर के अंदर हो गए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई R बटा N लिखोगे। यहाँ पे R क्या है, जो प्रतिरोध समानांतर के अंदर है वो प्रतिरोध का मान है R, और N क्या है, उनकी संख्या है, भाई कितनी बार वो समानांतर के अंदर है। तो आज जो अपन ने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।